जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की कई खबरें सामने आ रही हैं, वहीं कानपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो अपने आप में सामुदायिक सौहार्द बनाने का प्रतीक है। इस वक्त मैं खड़ा हूं कानपुर में एक टैटू पार्लर में। फराज जावेद का ये टैटू पार्लर है और खास बात यह है कि सावन के पहले सोमवार के दिन एक यहां पर फराज ने सामुदायिक सौहार्द बनाने के लिए एक ऑफर निकाला है जिसमें वो 51,000 टैटू फ्री में बनाएंगे जो कि महाकाल शब्द के होंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसके पैम्फलेट और एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है, लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। एक बार फिर से 51,000 फ्री टैटू कानपुरियों की तरफ से पवित्र सावन मास में पूरे देश को हार्दिक भेंट एवं शुभकामनाएं। महाकाल शब्द का टैटू जो है वो लोग करवाने आ भी रहे हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। नीचे लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को खत्म करके आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाना ही मेरा संकल्प है, क्या आप मेरा साथ देंगे? यदि हाँ तो संदेश को दिल खोलकर शेयर करें। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए फराज मौजूद हैं। फराज, ये आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया और 51,000 टैटू, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी मेहनत भी बहुत जाएगी, क्या संदेश है पूरा इसके पीछे? बहुत बहुत स्वागत है आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम फराज है और मैं एक्सपोज टैटूज का संचालक हूँ। देखिए, इससे पहले भी मैंने 51,000 जय श्री राम के फ्री टैटूज बनाए थे और तब भी ये बहुत बड़ी संख्या थी, आज भी उतनी बड़ी संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका संकल्प, आपके मन में विचार क्या है, और जब आपके विचार पहाड़ जैसे मजबूत हों तो जितने भी रास्ते में आने वाली मुश्किलात होती हैं वो सब छोटी लगने लगती हैं। यकीनन पिछले एक हफ्ते से मैं सोच रहा था क्या ये मैं फिर से कर सकता हूँ, लेकिन लोगों का प्यार और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने मैसेजेस अपडेट करे और लोगों ने कहा कि मैं फिर से आप सभी आपका बहुत साथ दूंगा, तो मेरा हौसला अफजाई हुआ और फिर से, और आप जैसे लोग हैं मुझे प्रमोट करते हैं, इस सोच को प्रमोट करते हैं। और एक बात को मैं करूँगा, ये कोई ऑफर नहीं है, ये एक संकल्प है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये मेरी आस्था है। और मैं जैसे हम मुसलमानों में रमज़ान का बहुत पवित्र महीना कहा जाता है और उसमें बहुत दिल खोल के इबादत करी जाती है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, ठीक उसी तरह मैं इसको भी समझता हूँ। सावन का पवित्र महीना है, गुनाहों से हम लोग बचते हैं और जितने पुण्य काम जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं हम लोग करते हैं, गुनाहों को ख़त्म करते हैं, तो क्यों ना हमारी भी प्रतिभागी होनी चाहिए। और मेरी तरफ से ये भी एक इबादत है कि मैं अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी इज्जत करूं, इबादत करूं या इबादत का हिस्सा बन सकूं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महाकाल शब्द जो है जिसको लेकर टैटू, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कोई है भी मौजूद यहाँ पे जो कि ये टैटू जो है वो करवा रहा। आपसे भी बात करेंगे कि आप यहाँ पे टैटू करवाने आए, आपको पता था कि यहाँ पे फ्री टैटूज हो रहे हैं या फिर साल से जुड़ी हुई हैं एक्सपोज टैटू से? तो मैंने रील पे देखा कि 51,000 फ्री टैटू बन रहे हैं, तो मैं बनवाने चली आई। यहाँ पे आके खुशी हो रही है कि हाँ चलिए इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको? जी बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल फ्री है और मैं चाहूंगी कि आप सब भी बनवाइए। बताइए कि वैसे अमूमन आप कितना चार्ज करते हैं एक टैटू? देखिए, इतने बड़े टैटू की हम लोग नॉर्मली कॉस्ट लेते हैं करीब 1400 रुपए। ये बताइए कि आप इतने ज्यादा टैटू फ्री में दे रहे हैं तो ये आपका जो नुकसान कहीं ना कहीं होगा कैसे भरपाई करेंगे? देखिए, ऊपर वाले ने मुझे बहुत नवाजा है और मैं इसको पैसे से नहीं तोलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया है, फ़ायदा नुकसान हर चीज़ में नहीं होता, कहीं ना कहीं हमको अपनी आस्था देखनी होती है। कल को हम जब मर के जाएंगे तो ऊपर वाले से कितना पैसा लेके जाएंगे और क्या बताएंगे कि कितना पैसा कमाया? आखिरकार हमारे अमाल, हमारा इखलाक, हमारी आपसी जो मोहब्बत है यही देखी जाती है। तो मैंने पैसे की चिंता ना करते हुए मैंने सोचा है कि जो समाज सेवा कर सकें, और समाज सेवा भी सबकी अलग अलग तरह की है, इस तरह की समाज सेवा मैं नहीं देखता हूँ कि लोग करते हैं जहाँ दो अलग होते हुए समुदाय को जोड़ने का काम करें। मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग एजेंडाज, अलग अलग मुद्दे उठाती हैं। अब आजकल कांवड़ यात्रा ही देख लीजिए, उसमें नेम प्लेट का भी एक बिना विषय का एक मुद्दा बना हुआ है जो कि मुझको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? मैं अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि दो आम हैं, आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आम किसी रहीम के यहाँ का है या ये आम किसी राम के यहाँ का है? तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी किसी भी तरह से आवश्यकता है।
हमारे समाज में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांवड़ यात्रियों को ले लीजिए, उनके रोजगार के बारे में बात कर लीजिए, उनको कोई नौकरी दे दीजिए, उनके कोई डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, उनके फ्री शिक्षा की बात कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा राधा दिन कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें कि दुकानों में नाम या किसी भी तरह की। जो आपने एक महीने तक आप जो है आप बता रहे हैं कि कोई भी आपके पास अगर आना चाहे और महाकाल का टैटू परमानेंट करवाना चाहे तो आप उसका कोई बिल्कुल, हम लोगों ने इससे पहले भी जो राम प्राण प्रतिष्ठा पे जो मुहिम शुरू करी थी वो सिर्फ एक हफ्ते की प्लान करी थी। 14 तारीख हम लोगों ने शुरू किया था और सोचा था कि 22 तारीख तक रखेंगे, लेकिन लोगों का इतना प्यार जब मुझे मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने उसको 31 तक स्ट्रेच किया, फिर आज तक जुलाई तक जितने भी लोग आते जाते हैं मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं और दिल खोल के मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टैटू बनाए हैं और यही मुहिम मैं आगे चलाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने आप में एक उदाहरण है। आप लोग यहाँ पे आए हैं टैटू बनवाने, क्या नाम है आपका? सोनू। ये बताइए कि क्या पता था यहाँ पे कि फ्री टैटू हो रहा है, कुछ देख के आए हैं या फिर आए जा रहे थे तो देखा था बैनर बाहर एक्सपोज टैटू में, क्या कहते हैं फ्री हो टैटू बन रहे हैं, महाकाल देख के रुक जी। तो क्या पहले सोचा था कि टैटू बनाना है कि अचानक से सोचा कि हाँ चलो बनवा लेते फ्री में है तो? फ्री में है तो हमने सोचा अचानक से बनवा लेंगे। क्या बनवाएंगे, महाकाल की लिखवाएंगे? काल तो फिर जिंदगी भर के लिए आपके हाथ से जुड़ जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आप भी आए हैं यहाँ पे टैटू बनवाने के लिए? अभी क्या बाहर पोस्टर वगैरह कुछ देख के फॉलो करते हैं इनका एक्सपोज टैटूज का काफी टाइम से, उस पे देखा है, उसके बाद हम आए। कैसा इनिशिएटिव आप मानते हैं कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा है। क्या बेनिफिट देगा, क्या माहौल थोड़ा ठीक करेगा या फिर एक सामुदायिक सौहार्द जो है वो? बिल्कुल कुछ ना कुछ हेल्प तो होगी उससे। क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका बाकी लोगों पे, आप पे जो इफेक्ट पड़ा? अच्छा पड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहनी चाहिए। तो मैसेज मतलब जा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक तस्वीर है वो सामने निकल कर आई है कानपुर में, जहाँ तमाम तरीके की बातें बाहर समुदाय को लेकर सांप्रदायिक माहौल को लेकर होती हैं, वहाँ पर ऐसी तस्वीर आना भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।